अकोला में धम्म चक्र परिवर्तन दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें अकोला समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, जिसमें भिन्न परिसर से बौद्ध समाज के लोगों ने रैली निकाली तथा शामिल होकर अकोला क्रिकेट क्लब के मैदान में पहुंचे, जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी सुप्रीम बाला साहेब आम्बेडकर द्वारा उपस्थित जन समुदाय को मार्गदर्शन किया गया, जिसमें कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव यह आरक्षण के इर्द गिर्द घूमेगा। इस चुनाव में आरक्षण ही अहम मुद्दा रहेगा। देश की जनता ने इस केंद्र सरकार को सबक सिखाया, जिसके पश्चात देश में अब भी लोकशाही टिकट हुई है। एससी एसटी व ओबीसी को अपना आरक्षण बचाने के लिए लड़ना होगा। पिछड़ा वर्ग समुदाय के आरक्षण के साथ साथ ओबीसी आरक्षण पर भी हमला किया जा रहा है। बाला साहेब आम्बेडकर भारतीय बौद्ध समाज द्वारा आयोजित 68वें धम्म चक्र प्रचार दिवस के संबोधित करते हुए यह सब कुछ बोला है। चारंगे पाटिल ने ओबीसी कोटे से आरक्षण की मांग की, लेकिन यह ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है। ओबीसी समाज को जागना चाहिए और आरक्षण बचाने के लिए संघर्ष करने की तैयारी रहना चाहिए। ओबीसी की लड़ाई वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ रही है। उन्होंने अकोला में भी अपील की। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अकोला से गुलाम मोहसिन की रिपोर्ट। नारी म्हणजे संस्कार, नारी म्हणजे भक्कम आधार। नारी म्हणजे अन्नपूर्णेचा अवतार, नारी म्हणजे शक्ती अपार। आणि या नारी शक्तीच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।